गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ डे अनदर डे। सुबह सुबह देखो बेबी कैसे रिलैक्स कर रही है मामा जी के गोद में। और गाइस ये देखो, आज की सुबह बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ। ये पीनट की चटनी बनाऊंगी बिकॉज आज है सरस्वती पूजा। सो या उसकी तैयारी लग चुकी है। ये देखो मैंने ये सुबह सुबह उठकर आई थिंक 6 बजे ये कर दिया था ग्राइंड, और ये पेस्ट ऐसा कुछ बना है, थिकनेस वगैरह आप देख सकते हो। और मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ करीब से 9 बजे, और ये चटनी वगैरह की प्रिपरेशन मेरी हो रही है। हाँ जी, तो पीनट बोले तो बादाम की चटनी मेरी रेडी है। उसमें मैंने चौक डाल दिया है करी पत्ता और सरसों से, और बहुत ही अच्छी टेस्ट लगती है, स्मेल तो बहुत लाजवाब आ रही है। सो आप लोग भी एक बार ट्राई करो। तो गाइस अब उत्पम बनाना है और पैन गरम हो गया है, सो मैं ब्रश से स्प्रेड करूंगी ऑयल। सो गाइस श्री रेडी हो रही है सरस्वती पूजा के लिए, और मैं रेडी हो गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मीनवाइल श्री देखो ड्रेस पहनी, ये जयपुर से लेकर आई थी मैं, और मैंने भी वही ड्रेस पहन रखा है, मैं आपको फुल दिखा। सो या दिस इज माय जयपुर वाला ड्रेस, साड़ी नॉट ड्रेस। अगेन मैंने इसका ब्लाउज नहीं बनवाया है, तो मैंने दूसरे का कॉम्बो कर लिया है, बट अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है जरूर बताओ। तो मैं रेडी करती हूँ श्री को, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस आज सरस्वती पूजा के होने के साथ साथ आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, तो हमारी सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग हो रहे हैं। सो पहले हम लोग वहाँ गए और उसको देखा, और अच्छा लगता है। लाइक आज 74th हमारा था रिपब्लिक डे। सो या हम लोगों ने उसे देखा, बेबी ने भी देखा, बेबी ने तो बहुत इंजॉय किया उसका नया नया ड्रेस। और ये रहा मेरा लुक, आप देखो साड़ी का। उसके बाद ना गाइज हम गए सोसाइटी के टेंपल में जहाँ पे सरस्वती पूजा होनी थी, बिकॉज अविनाश को ऑफिस निकलना था, तो हमने वहाँ दर्शन किया। सो गाइज हमारी फोटो सेशन हो गई, रील्स हो गई। प्लीज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग रील्स देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, हमारा यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो गया सोसाइटी में, एंड बहुत अच्छा रील बना है। प्लीज इंस्टाग्राम का मैं लिंक आपके सामने शो कर रहा होगा, आप उस साइट विजिट करो इंस्टाग्राम का और हमें फॉलो करो। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट रेडी है और अविनाश इंजॉय कर रहे हैं, पुष्कर अभी करेंगे, बेबी को हम दोनों को मिलके खाना खिलाना होता है उसके बाद। सो गाइस बेबी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं खाऊंगी, पुष्कर खाएंगे, और ये देखो हमारा उत्पम साथ ही साथ फटाफट पुष्कर ने बनाया ये पालक गोभी, तो हमने साथ में इंजॉय किया, बहुत डिलीशियस था। उसके बाद बॉस मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग को निकलना है, एक मीटिंग है पुष्कर की, तो मैंने कहा चलो मैं भी निकल जाती हूँ। और हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेना था, वो लेना था मुझे क्रोमा से, और क्रोमा से क्या लेना था चलो अंदर जाके मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो आयरन लेना था मुझे, और हम लोगों ने बहुत देखा, बट ये थोड़ा हेवी वाला चाहिए था। सो या मैंने ये आयरन भी ले लिया अपना।
सो गाइस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे एक चीज़ दिखी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक तरह का मसाजर, अभी वर्क फ्रॉम होम हो गया ऑफिसेज, सो आपको बैठे बैठे चेयर पे घर पे भी काम करना होता है। एनीवे अगर ऑफिस में जो लोग हैं वो भी ये होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक से काम करता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, पुष्कर को बहुत पसंद आया, बट हम अभी नहीं लेंगे। बट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर कोई भी ऑफिस वर्क वाले लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो वो आप ख़रीद सकते हो। दाम भी आप देख सकते हो बहुत ही कम है, रीजनेबल 6,500 का है। पूरा बैक मसाज ये देती है, बहुत अच्छे से देती है। तो मैंने भी लिया और मैंने तो 15-20 मिनट तक पूरा मसाज लिया और रिलैक्स हुई। उसके बाद ना गाइज हम लोग सो गए थे दोपहर में थोड़ा, उसके बाद फिर शाम हो गई है, चाय बनाना है मुझे। सो गाइज चाय मैंने डाला है, फटाफट चाय पीते हैं, सोकर उठी मैं, थोड़ी सी फ्रेश भी हो गई और फटाफट से चाय पीते हैं, फिर आगे का डिसाइड करते हैं। वैसे आज फ्राइडे है, बस हम लोग जब काम पे थे ना, आपके साथ एक चीज शेयर करना था, जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं तो कॉर्पोरेट में क्या होता है ना, फ्राइडे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फ्राइडे सैटरडे वो हमारा रहता है, पूरा पार्टी शार्टी वो दिन बड़े आ जाते हैं। एनीवे घर में चाय पीते हैं, फिर पुष्कर गए काम में, आने के बाद फिर डिसाइड करते हैं आगे का क्या प्लान है। अविनाश गया ऑफिस और बाकी अपडेट मैं आपको बाद में देती हूँ। देखो मैंने हाथ में ले रखा है, आपको मिलती हूँ चाय पे। मैंने ये सॉन्ग लगा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग, होना था प्यार, आप लोगों को भी पसंद है तो जरूर सुने, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में ये मेरी चाय आ गई है, मैं कुछ भी स्नैक नहीं करूंगी, मैंने बस चाय का मजा लेना है इस सॉन्ग के साथ। आई लव दिस सॉन्ग, वीडियो तो नहीं बट सॉन्ग। वेलकम होम, तुम्हारी चाय उधर डाइनिंग टेबल पे। बेबी का शू खोल दो, बेबी को शायद बिस्किट चाहिए, वो चाय कभी भी देखती है ना हमें पीते हुए, तो उसे बिस्किट चाहिए होता है।